नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेंट्रल इंडिया रेलवे रोड EXVCG। सो आज पिछले बार हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि नाइट में कैसे दिखता है और वो कैसे चेंज हुआ है लास्ट 10 साल में। तो 2012 से 2021 तक का हमको मैप मिला है। तो आज हम लोग बताएंगे बिहार के बारे में। आपको बिहार में काफ़ी प्रॉब्लम थी, आपको पता ही है कि वहाँ पे लाइट नहीं थी, कई सारी जगह पे कई डिस्ट्रिक्ट में अंधेरा रहता था। 2021 में ये कितना चेंज हुआ है आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा चेंज है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये 2012 का मैप है और ये 2021 का मैप है। 2012 में आप देख सकते हो पटना, गया, बेगूसराय और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बस ये बड़ी बड़ी चार पाँच सिटीज ही चमक रही थी। और अभी देखिए कि कितना बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। तो शायद रोड्स अच्छे बन गए हैं और दूसरे भी कई कई जगह पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लाइट्स आ गई हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। आपको एक जस्ट एक ग्राफ दिखा देता हूँ। 2012 में जो रेडियंस बोलते हैं इसको, तो रेडियंस जो था 8.36 था। और आज की डेट में आज से 2 साल पहले की बात है, तो डेटा 2 साल पहले तक का ही अवेलेबल है, इसलिए यहाँ 2021 तक का है। 2021 में 47.97, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा चेंज हुआ है। तो 2012 से 2021 के बीच में 474% की बढ़ोतरी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, एटलीस्ट लाइट के, नाइट लाइट, मतलब लाइट ही अच्छी हो गई है वहाँ पे। अभी पता नहीं, आप बिहार के हैं तो आप बताइएगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और लास्ट 2 साल के विदिन 1 ईयर और 2 ईयर में 16% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है और ये सबसे पॉजिटिव स्टेट है पूरे इंडिया में। अगर आप मैप पे अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम था पहले। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसमें बिहार सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये भुवन का मैप है। भुवन भारत सरकार द्वारा, भारत की सैटेलाइट, जो भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट के थ्रू हमको पिक्चर मिलता है। गूगल जो पिक्चर देता है वो गूगल मैप में भारत की सैटेलाइट से नहीं आता, ये भारत के सैटेलाइट का व्यू है। तो नाइट लाइफ, नाइट में जो व्यू है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वैसा मैप दिखा रहा है। तो देखते हैं, चलिए। तो मैं इसको हाइब्रिड मोड में करता हूँ ताकि आपको जगह के नाम भी दिखाई दें, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ ताकि बिहार पे हम फोकस करते हैं। चलिए, तो अभी मैं इसमें बिहार के, जस्ट मोमेंट, ये हाइब्रिड किया, इससे हमको बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये झारखंड है और इस तरफ बिहार है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ वाराणसी, सबसे पहले पटना के पास पहुँचते हैं। ये है पटना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा, हम 4 डिस्ट्रिक्ट मेन करेंगे और आसपास के जो भी जहाँ पे लाइट ज़्यादा है उस जगह को भी थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पटना, जहानाबाद, वैशाली और सिवान, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जो चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले पटना डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। पटना पहले से ही अच्छा था, लेकिन पटना में ये आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। पटना सिटी, मसूरी और हिलसा और बिहार शरीफ, बिहार के आसपास का एरिया, बिहार शरीफ मतलब, और जहानाबाद, ये जितना भी एरिया है जो गंगा के आसपास का है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो एक्चुअली इसमें ना एक मैप था, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम इसको देख सकते थे। देखिए, इसमें विजुलाइजेशन में आपको दिखा देता हूँ, आप ये वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ पर आप देख सकते हो सर्च करके। तो ये बिहार, सबसे पहले हम बिहार में गए, बिहार के बाद में मैं बोलता हूँ मैं पटना डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, पटना। तो देखिए हम पटना के पास पहुँच गए। अब पटना मैं 2021 में ऐसा देख रहा हूँ। अभी हम इसको करते हैं 2021 हटा के इसको 2012 करते हैं और पटना देखो 2012 में कैसा दिख रहा है।
और वही पटना 2021 में कैसा दिख रहा है। देखिए बहुत बड़ा चेंज है, तो ऐसा करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हो। तो मैं दो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाता हूँ। अररिया डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यहाँ से हो तो ये है 2021 में, ये अभी भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इतना लाइट नहीं आया है। और अगर हम इसको थोड़ा पहले जाएं 2012 में, तो 2012 में आप देख सकते हो कि सिर्फ दो ही जगह पे थोड़ा सा लाइट था, और 2021 में वो दो जगह से थोड़ा बढ़ के और भी छोटे छोटे जगह में हो चुका है। तो ये अररिया डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा करके देखिए, मेन जो चेंजेस हैं वो मैंने पटना आपको बताया, और जहानाबाद, जहानाबाद में भी काफ़ी चेंजेस है। चलो जहानाबाद देख लेते हैं। तो जहानाबाद में कैसे चेंजेस आए हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कैसे चेंजेस आए हैं, सीवान डिस्ट्रिक्ट में कैसे चेंजेस। तो जहानाबाद में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंजेस है, इवन आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट को भी देख सकते हो। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ जहानाबाद। तो ये हम लोग जहानाबाद पहुंच गए। तो जहानाबाद देखो आप, पटना के एकदम नीचे है, तो उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो मेरे मुझे क्या लगता है कि कोई, तो आप बता सकते हो कि कोई डेवलपमेंट यहाँ से हुआ है और ये नीचे तक आया है। तो ये नीचे के डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें डिटेल में आ नहीं रहा है, तो मैं इसको एक्चुअली, इसको हाइब्रिड करने से आता है, लेकिन मैं जिस मोड में हूँ उसमें हाइब्रिड नहीं। तो मैं एक और विंडो खोल लेता हूँ इसमें, और आपको दिखाता हूँ, ये हटा के इसको हाइब्रिड मोड में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग थे जहानाबाद। देखिए तो पटना, जहानाबाद और गया, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं ये एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हो गए। और वैशाली, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैशाली, जहानाबाद, पटना, ये तीनों जो लाइन एक लाइन में आ गए हैं, और गया भी है इसमें। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। आप यहाँ से देखो, वैशाली से, अगर ये वैशाली, पटना रूरल, उसके बाद में फिर जहानाबाद, जहानाबाद से लेके गया। अब गया के नीचे क्या हो रहा है, अब एक चीज अगर आपको कुछ नोटिस हो रहा है तो आप ये देख सकते हो, ये वाला। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सैटेलाइट व्यू करता हूँ। तो तो पता नहीं इसमें इस वाले, अच्छा यहाँ से आएगा, सॉरी। तो इसको सैटेलाइट व्यू करते हैं। अच्छा ये अपना नाइट लाइफ वाला ही दिखाएगा, मुझे एक और खोलना पड़ेगा। बेसिकली ये नाइट वाला है, तो बिना नाइट के अगर देखना है तो ये भुवन में सिंपल, आप भुवन सर्च करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। तो देख लिया आप, मेरा कहने का बस ये मतलब था कि पटना, जहानाबाद, वैशाली और गया, तो ये चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एक्चुअली नाइट लाइफ आई है, तो ये इसलिए आई है क्योंकि ये पूरा, और यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर, तो आप यहाँ से अगर देखना चालू करोगे, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ये सबसे बड़ा चेंज आया है बिहार में। और दूसरा चेंज आया है जो एक्चुअली, ये तो झारखंड है, धनबाद, झारखंड में औरंगाबाद है यहाँ पर। तो वैशाली से, वाराणसी से लेके, वाराणसी से जो रोड है, ये वाला जो रोड है जो धनबाद होते हुए कलकत्ता जाता है, तो इस रोड में अगर आप देखोगे तो ये नेशनल हाईवे है, ये बहुत डेवलप हुआ है। इसके वजह से भी एक रीज़न है कि यहाँ पे रोड अच्छे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और दूसरा एक और डिस्ट्रिक्ट जो बचा है, मैं वो भी बता देता हूँ, सीवान का। तो सीवान को अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूँ यहाँ पर, तो मैं सीवान डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सीवान डिस्ट्रिक्ट है तो नॉर्थ में, लेकिन इसके साथ में ये हुआ है कि ये भी समझ लो आप वैशाली, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और ये सीवान डिस्ट्रिक्ट है। देखिए यहाँ पे देखो, ये है सीवान और ये पटना, छपरा और सीवान। तो
ये क्योंकि इससे सटा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये भी डेवलप हो गया है। ये रीज़न है कि सिवान में भी लाइट ज़्यादा हुई है, मुजफ्फरपुर में लाइट ज़्यादा हुई है, दरभंगा में लाइट ज़्यादा हुई है, आप देख लो, और यहाँ से लेके आप पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये पूरा जो मुजफ्फरपुर वाला एरिया है दरभंगा मिलाकर, जो नेपाल के तरफ जुड़ता है, तो मधुबनी में जो आता है, तो ये एरिया भी काफ़ी डेवलप हो गया है। और इसके अलावा इधर बेगूसराय और मुंगेर, तो ये सब इसका रीज़न यही है कि ये पटना से लगे हुए हैं, तो डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है। और दूसरा जो जो डेवलपमेंट के बारे में क्लियर कट पता नहीं चल रहा है या फिर उसमें दिखा नहीं रहा है, वो है रोहतास जिला। रोहतास जिला अगर आप देखोगे तो ये गया के बाद में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ है। औरंगाबाद में इतना लाइट नहीं है, तो आपको रोहतास सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो रोहतास जिले में अगर आप देखोगे तो ऐसे तो रोहतास पूरा जिला नहीं है, लेकिन जो रोड है उसके आसपास, जो ये डेहरी ऑन सोन और इसके आसपास का अगर एरिया देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 तरीके की जो चीज़ें हैं, तो इसमें भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये हम लोग आ गए रोहतास, तो इसका हाइब्रिड व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये है रोहतास जिला, सॉरी ये तो रोहतास आ गया कहीं और का, मैं ऐसे लेके चलता हूँ आपको। ये बिहार में पटना, छपरा, बक्सर, ये वाराणसी, और ये है हम लोग रोहतास। तो रोहतास 2 है, तो देखिए ये आप देख सकते हो रेल लाइन और रोड है जो, तो ये मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ। ये जो रोड आपको दिखा रहा है ये रोड ही फिर धनबाद होते हुए, ये धनबाद आ गया, धनबाद होते हुए कलकत्ता जाता है ये वाला रोड। तो इस रोड के वजह से, क्योंकि नेशनल हाईवे है, ये काफ़ी डेवलप हुआ है, तो एक रीज़न ये हुआ है। दूसरा हम लोग सिवान की बात करते हैं, सिवान क्यों बढ़ा है, तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ये भी एक्चुअली, यहाँ पे भी देखो आप, ये रोड और रेलवे का जो लाइन है, ये सिवान, छपरा और पटना, ये कनेक्टिविटी हो गई है अच्छी खासी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये रीज़न होता है डेवलपमेंट होने का। तो इस तरीके से आप देखो तो बिहार में काफ़ी सारी जगह पे लाइट आ गई है। तो ये आपको एक बार सजेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसमें नन करूँगा तो पूरा आ जाएगा। ये बिहार आ रहा है, देखिए ये पूरा बिहार आ गया। ये 2021 का बिहार रात को कैसा दिख रहा है, और आपको दिखाता हूँ 2021 के बाद में 2012 का बिहार। ये देखो 2012, अब देख रहे हो 2021, बहुत बड़ा चेंज है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और आपको और कौन से डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मैं ये लिंक दे दूंगा, आप बाकी डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैंने चेंजेस दिखाए हैं आपको। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको बनवाना है वीडियो तो ये बना सकते हैं, लेकिन ये जूम इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें मुझे थोड़ा R&D करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाला शहर, दरभंगा तो पता ही है, दरभंगा के अंदर 2 शहर हैं, तो ये ढूंढना पड़ेगा उस तरीके से। तो वैसा करके अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक जगह, जैसे बेनीपुर और दरभंगा, ये 2 जगह पे लाइट्स बढ़ी हैं, तो वैसा अगर वैसा बनवाना है तो मैं वैसा भी आगे डिटेल में वीडियोज़ बना सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। अभी फ़िलहाल बिहार के लिए आपको कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।